पूर्व सांसद डॉक्टर रामलखन सिंह को बहुजन समाज पार्टी ने निष्कासित किया है। बताया जा रहा है कि दूसरे दलों से मिलीभगत के आरोप में पूर्व सांसद को निष्कासित किया गया है। पूर्व सांसद के समर्थक जिला पंचायत सदस्य दीपा नीतू यादव को भी बहुजन समाज पार्टी ने पार्टी से हटा दिया है। तो पार्टी से निष्कासित होने के बाद पूर्व सांसद डॉक्टर रामलखन सिंह ने प्रेस वार्ता के जरिए बसपा पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पैसे लेकर टिकट बांटने वाली पार्टी है बसपा। पूर्व सांसद डॉक्टर रामलखन सिंह ने कहा कि बसपा बिना संगठन की पार्टी है, स्वर्गीय काशीराम के द्वारा संचोई गई पूंजी को बेचकर खा रही है बसपा। पूर्व सांसद डॉक्टर रामलखन सिंह ने कहा कि भिंड के कुछ भाजपा के नेताओं ने बसपा पार्टी में शामिल होने से पहले मुझे पार्टी से निष्कासित करने की शर्त रखे, जिसके आधार पर बसपा पार्टी ने मुझे अकारण पार्टी से निष्कासित किया। वीडियो आ रहे हैं ना, तो सबके बात कर लेंगे। ना नहीं चाहते अनुशासनहीनता की तो बात ये है, कोई पार्टी लगाए अनुशासनहीनता की। अब बसपा कोई पार्टी है? वहां तो सिर्फ उनको रखा जाता है जो ढूंढ ढूंढ के ग्राहक ले आए, कौन ज्यादा पैसा कलेक्ट कर सकता है, कोई संगठन है काम। वो तो मानवर काशीराम जी ने जो पूरी जिंदगी भर ताकत लगा के उन्होंने जो पूंजी इकट्ठी की वो वसूली जा रही है, उसको बेच बेच के ये खा रहे हैं। इस शर्त रखी।